इस वीडियो में हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंट्राडे स्टॉक्स का सिलेक्शन करने वाले हैं। इसके साथ हम मार्केट के ट्रेंड को भी डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में यूज किए गए ट्रेड सेटअप को सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने के लिए यूज किया गया है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तब आपको नीचे दिए गए वीडियोस को जरूर रेफर कर लेना चाहिए। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टुडे निफ्टी डाउनसाइड में क्लोज होने के बाद हम इसके फ्यूचर लेवल्स में एक मार्जिनल अपसाइड को देख सकते हैं। इसके अलावा हम मेजर ग्लोबल इंडाइसेस में भी एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रहता हुआ यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस वजह से कल फिर से हमें मार्केट में एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल सकता है और मार्केट मार्जिनली डाउन साइड मूव कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे तीन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें कल आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो है अपोलो टायर्स। आज हमें स्टॉक में लगभग 6.3% का एक सिग्निफिकेंट डाउन साइड देखने को मिला। इसने 153 के लेवल पे अपना नया 52 वीक्स लो बनाने के बाद इसके आसपास 154 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करंटली हम इसके वीवा प्रबल्स को इसके क्लोजिंग से काफी ऊपर देख सकते हैं और हम इसके ऑर्डर बुक में भी काफी ज्यादा सेलिंग क्वांटिटी यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके स्टॉक फ्यूचर्स में भी हमें सेलर साइड में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल ये डाउन साइड कंटिन्यू रह सकता है। अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हमें इसके मेजर ईएमएल लेवल्स और वीवा लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसीडी इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड को यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जिस वजह से कल आप इस स्टॉक को सेल साइड के लिए अपने वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आज हमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज में लगभग 9.6% का एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड देखने को मिला। इसने अपने इंटरडे लो के आसपास 795 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करंटली हम इसके वीवा प्रोजेक्ट को भी काफी ऊपर देख सकते हैं और इसके ऑर्डर बुक में भी हम सेलर साइड में काफी ज्यादा वॉल्यूम को यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इसके स्टॉक फ्यूचर्स में करंटली हमें काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल भी हमें इस स्टॉक में एक फर्दर डाउनसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके टेक्निकल चार्ट में हमें अभी भी इसके मेजर ईएमएल लेवल्स और वीवा लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल जाता है और हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसीडी इंडिकेटर में भी काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जिस वजह से कल आप इस स्टॉक को भी सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फाइनली आज हमें भारती इंफ्राटेल में लगभग 5% का एक डाउनसाइड देखने को मिला है और इसने भी अपने इंट्राडे लो के आसपास 256.5 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके वीवा लेवल्स हम इसके क्लोजिंग से काफी ऊपर देख पा रहे हैं और अगर हम इसके स्टॉक फ्यूचर्स की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे भी हमें काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल भी ये स्टॉक फर्दर डाउनसाइड में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके टेक्निकल चार्ट में हम अभी भी इसके मेजर ईएमएल लेवल्स और वीवा लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं और इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसीडी इंडिकेटर में भी हमें एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल ये फर्दर डाउनसाइड में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप इस स्टॉक को भी कल सेल साइड के लिए अपने वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। टुडे निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होने के बाद हमें इसमें काफी बड़ा एक सेलिंग देखने को मिला और फाइनली इसने 95 पॉइंट्स नीचे 11,189 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करंटली हम मेजर ग्लोबल इंडाइसेस जैसे कि डाउ 30 में ही एक अपसाइड को देख सकते हैं। इसके अलावा हम S&P 500 और नैस्टेक में एक डाउन ट्रेंड को करंटली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल में एक मार्जिनल अपसाइड को यहाँ पे देख सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट में हम इंडियन रूपी में एक साइडवे ट्रेंड को यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिस वजह से कल हमें मार्केट में फिर से एक डाउन साइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम निफ्टी 50 का टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो आज इसने अपने 200 डेज के ईएमए लाइन को ब्रीच करते हुए डाउन साइड में अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके आरएसआई लेवल में भी एक काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर को देख सकते हैं जो कि कल भी हमें कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा में करंटली हम इसके पुट साइड में
11,100 के लेवल्स पे 4.48 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं और हम इस लेवल पे 14 लाख से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पा रहे हैं, जिस वजह से कल के लिए हम 11,100 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। कॉल साइड में हमें 11,200 के लेवल्स पे 14 लाख से भी ज्यादा कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे 17 लाख से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पा रहे हैं। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर अपना ओपनिंग देता है तो हमें ये फर्दर अपसाइड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हम कल के लिए 11,200 के लेवल्स को एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट को देखते हैं तो आज हमें इसमें फिर से एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिल जाता है। इसने आज अपने 200 डेज के ईएमए लाइन के जस्ट ऊपर 29,295 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके आरएसआई लेवल में एक साइडवे ट्रेंड को देख सकते हैं जो कि कल हमें कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा में करंटली हम इसके पुट साइड में 29,000 के लेवल्स पे 1.48 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट को ऐड होता हुआ देख सकते हैं और इस लेवल पे हमें 7.32 लाख से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कल के लिए हम 29,000 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। कॉल साइड में करंटली हमें 29,500 के लेवल्स पे 4.29 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे 7.87 लाख से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देख सकते हैं, जिस वजह से हम कल के लिए इस लेवल को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी अपना इंट्राडे स्टॉक्स को काफी आसानी से पिक कर सके और उन्हें मार्केट के ट्रेंड को समझते हुए अपना इंट्राडे ट्रेड लेने में काफी ज्यादा आसानी हो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।